जंग की घड़ी से तुमको हार दो आन पान शान याक चान का हो दान आज ए धनुष के बाण पे उधार दो आरंभ है प्रचंड। 1948 के बाद हर साल 15 जनवरी को भारत में आर्मी डे यानी कि सेना दिवस मनाया जाता है। इसी तारतम्य में रविवार को इन्फेंट्री स्कूल द्वारा देश के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले अमर शहीदों और अपनी जान की परवाह किए बगैर देश की रक्षा करने वाले वीर सपूतों के सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। Then General Kariyappa, later Field Marshal, who took over the command of the Indian Army. Today, we do salute all our brave hearts who made the supreme sacrifice and also rededicate ourselves to the service of this nation to protect its territorial integrity. Mahu ke Infantry Research Center और म्यूजियम में इन्फेंट्री स्कूल महू द्वारा आयोजित इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में देश के प्रसिद्ध सरगम म्यूजिक इवेंट की तरफ से गायक शोएब खान, नीतू जी, रजनी जी, अरशद खान और ग्रुप द्वारा देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए गए। एसएम एंटरटेनमेंट द्वारा सांस्कृतिक नृत्य की प्रस्तुति भी दी गई। इस दौरान तबला वादक साहिल खान और सरोद वादक बसंत शर्मा के बीच हुई तबले और सरोद की जुगलबंदी कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम में इन्फेंट्री स्कूल के कमांडेंट सहित कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, मित्र देशों के छात्र, अधिकारी, गणमान्य नागरिक और स्कूली बच्चे उपस्थित रहे। आपको बता दें कि 15 जनवरी साल 1948 को ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित पहले भारतीय अधिकारी जनरल के एम करियप्पा ने भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला था। इसी दिन से 15 जनवरी को सेना दिवस यानी कि आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। जनरल के एम करियप्पा बाद में देश के पहले फील्ड मार्शल भी बने।